ये मैक प्रो 2012 का मॉडल है। इसमें सीमॉस बैटरी का प्रॉब्लम है। सो सिस्टम का पीछे की तरफ लॉक को ऊपर करके इस साइड डोर को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये ड्यूल प्रोसेसर वाला है, तो मैं ये दो लॉक नीचे दिख रहे हैं उसको भी मतलब प्रेस करके ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने ग्राफिक्स कार्ड को ओपन कर लिया। उसके बाद जो पीसी कार्ड है लगा हुआ है, जो भी कार्ड है मेरा, जैसे कि ये है फाइबर कार्ड है, एजा कोना कार्ड है, दोनों को निकालना पड़ेगा। उसी के नीचे सीमास बैटरी लगी हुई है, ठीक है। सो विंडोज़ में क्या होता है, सीधा निकाल सकते हैं, लेकिन मैक में थोड़ा सा नीचे की तरफ है तो सब कार्ड निकालना पड़ेगा। तभी मैं ये जो अपना जो ऑडियो कार्ड है निकाल दिया, ये फाइबर कार्ड है उसको निकाल दिया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कठिन लग रहा है, इसमें थोड़ा क्लिप को है ना थोड़ा सा दूसरी तरीके से दिया हुआ है, विंडोज़ की तरह नहीं है। ये अभी दोनों हाथ से ट्राई करके ये देखिए निकाल दिया हमने, ये आ गया बाहर। तो इसको आराम से निकाल लेते हैं। उसके बाद ये जो पीसी पोर्ट वाला रखेंगे हम, कार्ड लगाना है जो भी पोर्ट है, एक बार क्लीन कर देते हैं। उसके बाद हम नया बैटरी लगा डलवाएंगे। ये नया बैटरी डाल दिया। उसके बाद जो मेरा पहला ग्राफिक्स कार्ड है, क्योंकि इसमें ऑन बोर्ड में डिस्प्ले नहीं होता है, जो ग्राफिक्स कार्ड है ज़रूर लगाना ही पड़ता है, तो पहले मैं ग्राफिक्स कार्ड लगा के डिस्प्ले चेक कर लेता हूँ। सो ग्राफिक्स कार्ड दो तरह का आता है, विथ पावर विदाउट पावर। सो ये पावर वाला ग्राफिक्स कार्ड है, इसमें 6 पिन का लगता है, तो ये पिन को लगा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसमें ग्राफिक्स कार्ड मतलब हिले नहीं, उसके लिए एक लॉक होता है। जैसे ये बीच में एक स्टील बार दिख रहा है, फिर लास्ट टाइम इस तरफ कोने में भी दिख रहा है, देखिए कोने में दिख रहा है। इसको एक बार फिक्स करने के बाद उसको लॉक को लगाना होता है। देखिए वो जो है अभी लगा दिया है, दोनों तरफ का लॉक लगा दिया अभी, ठीक है। इससे मतलब आपको ग्राफिक्स कार्ड हिलेगा नहीं, मतलब नीचे की तरफ से मतलब कहीं से भी हिलेगा नहीं, पूरा लॉक हो जाता है। उसके बाद ऊपर का स्क्रू सिस्टम भी लगता है, ये लॉक लग गया ऊपर का, ये उसके बाद हम प्रोसेसर जो रैम है, इसमें रैम नहीं लगा हुआ है अभी, रैम लगा के फिर अंदर में लगाऊंगा, ठीक है। इसमें रैम का 8 स्लॉट है, 2 ड्यूल प्रोसेसर है, ठीक है। पहले मैं ऐसा ही लगा दिया था विदाउट रैम को, उसके बाद मैंने रैम लगा के अभी अंदर डालूंगा। उसके बाद ये 2 लॉक है ना, लॉक को प्रेस करना होता है, लॉक हो जाता है, ठीक है। मैं इसमें रैम भूल गया था, दोबारा एक बार निकाल के लगा दिया, ठीक है। अभी रैम लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एक बार सिस्टम को मैं चालू करके चेक कर लेता हूँ डिस्प्ले। उसके बाद हम बाद में जो भी कार्ड बचा हुआ है उसको भी हम लगा सकते हैं वन बाई वन, ठीक है। सिस्टम को टर्न ऑन कर दिया, वो स्पीकर में साउंड आया ना। डिस्प्ले आ गया। इसके बाद मैं सीधा सिस्टम को टर्न ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। ये टर्न ऑफ हो गया। बाकी सेम वो स्लैट को निकाल के बाकी बचा हुआ मेरा जो भी कार्ड है मैं लगा के दोबारा पैक कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप सीमास बैटरी वाइज चेंज कर सकते हैं, मतलब रीअसेंबल भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसा तो प्रोसेसर रैम को निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार खोला तो क्लीन करने के लिए निकाल दिया था। सेम तरीके से वो मतलब क्लिप को भी अनलॉक करना पड़ेगा, बाकी कार्ड भी लगना है ना, तो ये इसको भी ये जो है प्रेस करके इसको अनलॉक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।